यहाँ पर एक सर्वसमिका है, यानी कि एंटिटीज है, और वो क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। और जबकि इसकी कंपैरिजन में अगर हम प्लस की यहाँ बात कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वहाँ पर उसका होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अंतर याद रहेगा ना, प्लस में सारा प्लस रहेगा, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो सारा माइनस नहीं रहेगा, केवल 2ab वाला माइनस में रहेगा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसको पढ़ा दिया गया है, आप पीछे वाले वीडियोज में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं, क्लियर है। अच्छा, यहीं पर कभी कभी इसको इस फॉर्मेट में लिखा रहता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सेम वही भाई, a के प्लेस पर x आ गया है ना, और b के प्लेस पर क्या आ गया, y आ गया। तो a के प्लेस पर x कर दो जहाँ जहाँ x है, और b के प्लेस पर y कर दो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ y कर दो। तो यहाँ जब इसको ब्रेक करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई और प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर, क्लियर है। इससे कन्फ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं, बस केवल नाम चेंज है, क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 58 है, 58 का स्क्वायर। तो देखो, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है ना, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो आप ऐसे कर दो, 58 मल्टीप्लाई 58, 8 जा 64 है ना, और 8 5 जा 40 और कैरी 6 46, मतलब 8 2 64 के 4 और 8 5 40 और हासिल 6 40 6 46, क्लियर है इतना। यहाँ देखिए, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25 एंड कैरी 4 29, मतलब देखो 5 8 40 के 0 हो गया और 5 5 25 है ना, 5 5 25 और हासिल 4 29। जब इनको आप ऐड करोगे तो 4 6 और यहाँ 9 4 13 और यहाँ 3, मतलब कितना आ गया, 3 3 6 4 आ गया। तो आप एक तो तरीका ये है कि ऐसे करो, है ना, एक तरीका ये है कि आप इस तरह से सॉल्व करो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इसको जो है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर की सहायता से सॉल्व करो, मतलब आप इसको सॉल्व करो लेकिन इस फार्मूले का, इस सर्वसमिका का यूज करते हुए, तब आपको दिमाग लगाना होगा कि देखो यहाँ माइनस के फॉर्मेट में कह रहा है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना होगा कि इनको ऐसे ब्रेक करें, माइनस करने पर 58 आए, 58 आए। तो आपने कहा ये तो सिंपल है, 60 माइनस 2 करेंगे, 60 माइनस 2 करेंगे तो 58 आ जाएगा, आएगा कि नहीं भाई, हाँ, उसी के इर्द गिर्द, उसी के पास में जाना है। ऐसे नहीं कि 60 है 70 पर पहुंच जाओ, 70 माइनस 12 58 आएगा, नहीं, वहीं जस्ट पास में जो है ना। तो अभी यहां पर हम इनको लिख सकते हैं 60 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं। और जैसे ये लिखेंगे ना, जैसे ये लिखेंगे, मतलब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है कि नहीं फार्मूला। तो हमने जब कंपैरिजन किया तो हमें मिला कि a के प्लेस पर 60 है और b के प्लेस पर 2 है, मतलब जहां जहां a वहां वहां 60, जहां जहां b वहां पर 2। तो अभी जैसे यहां पर ये फार्मूला है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें, सॉल्व करें, 60 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जैसे यहाँ a का स्क्वायर था, हमारा a के प्लेस पर 60 है, तो हम क्या कर देंगे, 60 का स्क्वायर कर देंगे। अभी बोलो समझ में आया, यहाँ माइनस टू ए भी है, माइनस टू फिर a है, a के प्लेस पर 60 है तो 2 मल्टीप्लाई 60, और यहाँ b के प्लेस पर 2 है तो मल्टीप्लाई 2, 2 a b हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ प्लस कह रहे हैं, प्लस कर दिया, b के प्लेस पर क्या है, 2 है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया, क्लियर। अभी इनको सॉल्व कर लो, 60 का जब स्क्वायर करोगे, इसका मतलब 60 को 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 60 सठिया हो जाएगा 3600, क्लियर है। मतलब जब आप इसको ऐसे अलग से सॉल्व कर सकते हो, 0 यहाँ देखो 6 6 36 और इधर 0 0 2 0 आ जाता है, क्लियर है ना, समझे इतना। तो यहाँ तक तो आ गया 3600 प्लस और सॉरी माइनस है, 2 2 4, देखो ऐसे 2 2 4 6 24 है ना, या 2 6 12 2 9 24,
यहाँ 24 आ गया, एक जीरो ऐसे हमने लिख दिया क्योंकि 2 शून्य 0 ही होगा, क्लियर है। अब यहाँ प्लस, यहाँ 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार लिखो गुणा के फॉर्म में, तो 2 दूना 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। अभी पहले क्या कर लो, आप चाहे हो चाहो तो प्लस कर लो या डायरेक्ट माइनस कर लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, है ना। अगर हम प्लस कर लेते हैं पहले कि 3600 ये प्लस है और ये प्लस है, 3600 और 4 कितना हो जाएगा, 3604 हो जाएगा कि नहीं, है ना, और माइनस 240। आप पहले माइनस करके बाद में प्लस कर लेना, बात वही होगी, क्लियर है। अभी हम क्या है, बोर्ड मास रूल पर चल रहे हैं, क्लियर है। अभी इतना समझ में आया, अभी इनको माइनस करो तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा, 0 मतलब कुछ नहीं, और यहाँ 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, इनसे एक कैरी लिया गया और हो गया 10, 10 में से 4 गया आ गया 6, यहाँ एक कैरी दिया था तो बचा है 5, 5 में से 2 गया 3, है ना, और यहाँ पर इनसे कैरी लिया नहीं गया था, कुछ नहीं लिया गया था, यहाँ पर 3 ही रहेगा, ये आंसर हो गया। ऐसे अगर कन्फ्यूज हो जाओ आप तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 3604 माइनस 240, जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 में से 0 गया 4 आ गया, यहाँ 0 में से 4 जाएगा नहीं, इनसे कैरी लिया गया, यहाँ हो गया 10, और 10 में से 4 गए यहाँ पर आ गया 6, क्लियर है ना। इनसे कैरी लिया गया था, हासिल लिया गया था, यहाँ बचा है 5, 5 में से 2 गया 3 आ गया, और यहाँ पर 3, मतलब कितना आ गया, 3364, ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं बताओ, पहले आप ये बताओ समझ में आया, या एक क्वेश्चन और बता दिया जाए, एक क्वेश्चन और बता दें, चलो आप बताओगे कोई क्वेश्चन, आप बोलो बताइए। 78 लिख देते हैं, चलो ठीक है, 78 का स्क्वायर इन्होंने कहा, तो अभी क्या करो, देखो 78 को आप सोचो इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो आप करो 78 इनके आसपास देखो, जीरो वाले के पास 80 आएगा या तो 70 आएगा, हमें माइनस में देखना है ना, क्योंकि इस वाले फार्मूला का यूज करते हुए लगाना है, प्लस में देखना होता तो ठीक है 70 + 8 कर सकते थे आप, माइनस में देखना है तो माइनस में क्या करना, आगे से चले जाना, तो 80 - 2 कर दो, आएगा कि नहीं भाई, 80 में से 2 निकालेंगे तो 78 आएगा स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, तो आप कह रहे हो फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, आप करो इसी पर लगाएंगे बिल्कुल। अब यहाँ कंपेरिजन कर लो कि a के प्लेस पर क्या है, 80 है, और b के प्लेस पर क्या है भैया, 2 है, क्लियर है। जब ऐसा है तो ये बताओ 80 - 2 का होल स्क्वायर कि हम फार्मूले पर ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, तो जब ब्रेक करोगे तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए के प्लेस पर 80 है, और माइनस 2 ए के प्लेस पर 80, 2 × 80 और मल्टीप्लाई 2ab है ना, तो बी के प्लेस पर 2 है, 2 कर दिया, क्लियर है। और यहाँ पर प्लस हमने किया, और देखो यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर है, अरे सॉरी बी के प्लेस पर 2 है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, 80 का स्क्वायर 80 से हम हो जाएगा 8 × 64 मतलब 6400 हो जाएगा, कैसे आई ये, क्लियर है ना। माइनस यहाँ पर देखो 2 × 8 = 16 × 32, हाँ, या 2 × 2 = 4 × 8 = 32, या 8 × 2 = 16 × 32, 32 आ गया, 0 है तो 0 लगा दिया, और यहाँ 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार 2 × 2 = 4 होगा। अभी आप पहले प्लस कर दो तब माइनस करो, या पहले माइनस कर दो तब प्लस करो, बात एक ही है, दोनों से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो पहले मैं प्लस कर दे रहा हूँ, 6400 और 4 जब प्लस करोगी कितना हो जाएगा, 6404 हो जाएगा, और माइनस है 320। अब 320 आप माइनस करो, जब आप माइनस करोगे तो 4 में से 0 गया 4 ही रहेगा, लेकिन 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो इनसे एक हासिल लिया गया 10 हो गया, 10 में से 2 गया कितना आ गया, 8 आ गया, है ना, और यहाँ पर 3 बचा है क्योंकि एक हासिल दिया गया था, 3 में से 3 निकल जाएगा 0 आएगा, यहाँ हासिल कुछ नहीं लिया गया था 6, तो 6084। जैसे आपको चेक करना है ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, 78 × 78 8 × 64 = 4 8 × 7 = 56 और हासिल 6 × 56 = 62 पूरा हो गया, है ना। और इधर 7 × 8 = 56 हासिल आया 5 7 × 49 और 49 × 5 कितना हो जाएगा बताइए, 54 हो जाएगा ना, तो ऐड कर दो इनको, यहाँ 4 हो गया, 6×2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6×4 = 10 के 0 हो गया 5 और हासिल 6, वही आया कि नहीं, देखो आ रहा है 6084 मतलब बिल्कुल सही है। तो अभी देखो आपने एक फार्मूला भी सीखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, और इस फार्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी समझ में आ गया है।
अगर प्लस में आ जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सारा प्लस में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर यही x माइनस वाई का स्क्वायर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ए बी के प्लेस पर एक्स वाई दिया गया, तो आप सीधा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। आई होप ये चीज़ बढ़िया अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है ना? ओके okay?